सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मदद और मुस्कान, ये दो ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना आप दुष्टों पर जितना अधिक छिड़केंगे आपका जीवन उतना ही सुगंधित होता चला जाएगा। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। जब आप आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो यह प्रकृति भी आपके रास्तों की बाधाओं को दूर करने में आपका सहयोग करती है। आज का पंचांग 4 फरवरी 2021, दिन गुरुवार, मांघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 12:07 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र शाम 7:45 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:03 से 3:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:15 से 1:01 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। तुला राशि 4 फरवरी 2021, दिन गुरुवार। आज आपका मूड हल्का फुल्का और नाटकीय बना रहेगा और आज आप हर खूबसूरत चीज से प्रभावित होंगे। इससे आपका कुछ अनावश्यक खर्च भी हो सकता है। आज आप जो भी करेंगे उनमें सौहार्द बोध का काफी असर रहेगा। आज सुंदरता से संबंधित कोई उपचार ले सकते हैं। पूरे दिन हंसी मजाक वाले मूड में रहेंगे और इससे कार्यस्थल पर भी माहौल खुशनुमा रहेगा। हाल ही में मिली अपनी सफलता का जश्न मनाएं। किसी खास के साथ रोमांस के लिए समय निकालें। नेटवर्किंग और कूटनीति आपको नए क्लब और ग्रुप में कनेक्शन बनाने के लिए मदद करेंगे। ये दोस्ती भविष्य में नेटवर्किंग का विस्तार और दायरा बढ़ा सकती है। कुछ पाने की चाह और आत्मविश्वास आपको एक नया स्तर प्रदान करेंगे। आपकी हर चीज आपके अंदर के ज्ञान को बढ़ाने के लिए काफी है। जब तक आप अपनी समस्याओं व कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं व कठिनाइयों को मिटा नहीं सकती। आज आपके आसपास के लोग आपके मधुर व्यवहार को देखकर हैरान रह जाएंगे। आप सबकी मदद करने के लिए आगे रहेंगे। आशा पाएंगे कि जिंदगी के प्रति आपका नजरिया पूरी तरह से बदल गया है। ध्यान रखें कि ये बदलाव सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी हो। आज आप अपने परिवार की किसी समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता व योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। सभी आप पर ही निर्भर हैं। शायद इस बात से आपको कुछ अजीब सा लगे, लेकिन फिर भी उनकी समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करें। इस समय भावनाओं को खुद पर हावी ना होने दें तथा प्रैक्टिकल तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दें। इससे आप ज्यादा अच्छी तरह निर्णय ले पाएंगे। घर में सुधार संबंधित अथवा घर बदलने जैसी कोई योजना बन रही है तो इस विषय पर महत्वपूर्ण बातचीत संभव है। आपके द्वारा हुई गलतियों को मानकर उन्हें ठीक करने की कोशिश करनी होगी। परिवार के लोगों के आपके प्रति नाराजगी बढ़ सकती है। जाने अनजाने में बोली गई बातों का असर आपकी करीबी रिश्ते पर दिख सकता है। काम की जगह होने वाली वाद विवादों में अधिक ना उलझें। पार्टनर की अपेक्षाओं को समझने की कोशिश करें। सावधानियां, कुछ समय आत्ममनन और आत्ममंथन में भी लगाएं। गुस्से व जल्दबाजी जैसी कमियों पर अंकुश लगाना जरूरी है। ध्यान रखें कि कोई बीती हुई नकारात्मक बातें उठने से
निकट संबंधियों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। घर तथा व्यवसाय दोनों जगह उचित सामंजस्य बना रहेगा। नजदीकी संबंधियों के साथ गेट टुगेदर होने से मन प्रसन्न रहेगा। आपको अपने प्यार के करीब आने के लिए थोड़ा नम्र और ख्याल रखने वाला बनना होगा। वह इस समय किसी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर काम कर रहे हैं। आपको उन्हें प्रेरणा और हिम्मत देने की जरूरत है ताकि वह आपके साथ अपनी सब बातें बांट सके। अगर आप इस वक्त उनका साथ देते हैं तो इससे आपके रिश्ते पर लंबे समय तक निकट वाला प्रभाव पड़ेगा। इस आधुनिक युग में नेटवर्किंग का पूरा फायदा उठाएं। अपने साथी को रिझाएं। कोई रोमांटिक संदेश, ईमेल, वीडियो आप दोनों की बोरिंग लाइफ में थोड़ी एक्साइटमेंट लाएंगी। आपका आत्मविश्वास आपके जीवन को आश्चर्यचकित कर देगा। आज आप अपने साथी के साथ मिलकर नए प्रयोग और खोज करने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे और आपके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा भी प्राप्त हो सकती है। ध्यान रखें कि अगर आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो आपके दोस्त परिवार और परिवार या अन्य लोग आपके प्रेम भरे जीवन को हानि पहुंचा सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आज आपको लाभ और सफलता मिलेंगे। अपने व्यापार या नौकरी के अगले चरण की योजना बनाने के लिए साहसी, समझदार और दृढ़ बने। चोरी, दुर्घटना या नुकसान से बचने के लिए एहतियात बरतना इस समय की जरूरत है। आपका जुनून आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहायता करेगा। अब जब आप सफलता के इस चक्र का मजा ले रहे हैं तो इसके साथ ही नए प्रस्ताव तैयार करें और नई योजनाओं पर काम करें। अपने लिए सबसे अच्छे करियर को चुनें और उसके बाद उसका अनुसरण तब तक करें जब तक आपको आपकी मंजिल मिल नहीं जाए। जो लोग अध्ययन में कार्यरत हैं, उनकी मेहनत का फल पाने के लिए ये समय अच्छा है। यही चीज काम कर रहे पेशेवरों के लिए भी लागू होती है। सफलता और प्रशंसा आपको मिल सकती है, लेकिन अगर आपने कोई निवेश किया है तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए निवेश की योजना को आज ठंडे बस्ते में डाल दें और शुभ समय का इंतजार करें। बात करते हैं सेहत की। अपने घर से जुड़ी किसी अच्छी खबर के लिए तैयार रहें। आज अपने घर को बदलने के मौके आपको मिल सकते हैं या आप घर खरीदने के अपनी योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं। अगर आप अपने घर या घर के किसी हिस्से के रेनोवेशन या रिमॉडल की योजना बना रहे हैं तो इस योजना को अच्छे से पहचानने के लिए यह सबसे अच्छा समय है। आज का उपाय। आज आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति या बच्चे को ज्ञानवर्धक पुस्तकें दान कर दें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।